तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि अगर हम लोगों के पास एक कार ऑन ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन ए रोड, मतलब एक रोड है और वो रोड कोई नॉर्मल रोड नहीं है, कर्व रोड है, इस टाइप से रोड है, और ये कर्व रोड पे एक कार ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे एंड फिर ऐसे मूव करेगी, बट स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट है। अगर 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो ये कभी चेंज नहीं होता है और स्पीड इसमें कांस्टेंट है, ठीक है ना। लेट ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। तो वो कहता है कार कभी ए पर भी होगी तो कभी बी पर होगी। ये जो पॉइंट है वो ए है और ये जो पॉइंट है वो बी है, तो ये पॉइंट ए और बी पर होगी, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे कंपेयर किया जाए, कभी भी अगर देखोगे कोई कर्व होता है बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है अगर कर्व है, तो इस पॉइंट ए पर अगर देखोगे, तो इस पॉइंट ए पर अगर फोर्स की बात करोगे तो नॉर्मल ऊपर लगेगा और एम जी नीचे लगेगी, और इस पॉइंट पे एम जी तो चेंज नहीं होगी लेकिन नॉर्मल कर्वेचर बदलने की वजह से चेंज हो रहा है, तो इस पे नॉर्मल एन ए बोल देता हूँ। और अगर ये पॉइंट बी है तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ऊपर लगेगा, दैट इज एन बी, और इस पॉइंट पे यहाँ से दैट इज वेट एम जी नीचे लगेगा, ठीक ना। ऐसा कुछ इस टाइप से हम देख सकते हैं, ये रोड है। और अगर तुम देखोगे तो नॉर्मल अगर निकालना कर्व है, तो कर्व पे चलने के लिए जो सबसे बड़ी बात है बच्चों, वो है सेंट्रिपिटल फोर्स। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल तो ऊपर जाएगा और एम जी सेंटर की तरफ जाएगा, जो कर्वेचर यहाँ होगा, ये सर्कल जो है वो कर्वेचर है, तो यहाँ सेंटर की तरफ एम जी जा रही है और ये नॉर्मल एन ए ऊपर जा रहा है, तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा यहाँ, तो वो एम जी माइनस सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है भाई, सेंट्रिपिटल फोर्स जो है नेट रियल फोर्स टुवार्ड द सेंटर, नेट रियल फोर्स टुवार्ड द सेंटर, जिसकी वैल्यू एम बी स्क्वायर ओवर आर होती है। तो इस पॉइंट पर अगर देखोगे तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू। क्या क्या है सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू लिखो, बोलो इक्वेशन। इस पॉइंट पे एम जी सेंटर की तरफ जा रही है, तो माइनस एन ए इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ आर ए बोल देता हूँ, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से जो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी, तो नॉर्मल की जो वैल्यू, जिसको ये इक्वेशन लिखने आ गया वो सर्कुलर मोशन के में बहुत कुछ सीख गया, ये इक्वेशन समझ गया, ही विल डू ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन सर्कुलर मोशन। तो नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम जी माइनस एम बी स्क्वायर, एम जी माइनस एम बी स्क्वायर और अपान आर ए। तो ये एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया। अभी बी पॉइंट पे है तो यहाँ पे नॉर्मल ऊपर जाएगा एन बी, और सेंटर की तरफ यहाँ पर एम जी जाएगा, भाई सेंटर की तरफ वर्टिकली एम जी लगेगी। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो जो मुझे इक्वेशन यहाँ नज़र आएगा वो आ जाएगा अगेन एम जी माइनस एन बी दैट इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर, यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कल का वो मैं आर बी बोल देता हूँ। तो अगेन यहाँ से एन बी की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी एम जी माइनस एम बी स्क्वायर ओवर आर बी। तो ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गए। अब देखो यहाँ से आँखों का भी यूज करते हैं, ये कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पर रेडियस आर बी इज ग्रेटर देन रेडियस आर ए, और अगर इसकी वैल्यू अधिक होगी, आर बी ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, ध्यान देना सब लोग, ये वाली जो वैल्यू है दिस वैल्यू, एम जी तो कांस्टेंट है, एम जी क्या है अगर कांस्टेंट है, तो एम जी अगर कांस्टेंट है तो अगर रेडियस बढ़ाओगे तो सेंटी एम बी स्क्वायर ओवर आर की जो वैल्यू होगी वो कम होगी। तो अगर ये वैल्यू कम होगी, रेडियस अगर बढ़ाओगे भाई तो एम बी स्क्वायर ओवर वैल्यू कम होगी, और अगर ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये इसके डिक्रीज होने से नॉर्मल एन बी क्या होगा, बढ़ने लगेगा, तो एन बी विल इंक्रीज होगी। बात समझ में आया। और अगर आर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिटी कर दोगे तो एन बी की वैल्यू, ठीक है, एम बी स्क्वायर ओवर आर जीरो हो जाएगा, तो एन बी की वैल्यू एम जी के बराबर हो जाएगी लगभग लगभग। तो ये वाली चीज़, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि जो नॉर्मल बी पॉइंट पे है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल एट द पॉइंट ए,
मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है, बी पॉइंट पे नॉर्मल ज़्यादा होगा और ए पॉइंट से, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है बच्चों।